जिला भर में लगातार दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। वहीं जहां एक और इस बारिश से गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए एक बुरी खबर है। हमीरपुर में आंधी से मक्के की फसल खेतों में बिछ गई है, जिस कारण किसानों की मक्के की बम्पर फसल होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवा के कारण क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। महिला का कहना है कि बारिश के कारण मक्के की फसल पूरी तरह से खेतों में बिछ गई है। उन्होंने कहा कि अब इन खेतों में आने का भी मन नहीं कर रहा है। हमीरपुर में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही फिर से सामने आई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच अधिक बरसात होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा था, जिसे प्रशासन द्वारा सीमेंट के साथ बंद करवाया गया। लेकिन इस सीवरेज को बंद करने के बाद दूसरी तरफ फिर से सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा है, जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जिससे बरसात के दौरान प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच बना सीवरेज ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन प्रशासन को बार बार चेताने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच सीवरेज का ढक्कन ऊपर की ओर उठा हुआ था, जिसे प्रशासन द्वारा सीमेंट के साथ बंद करवाया गया है। लेकिन इसे बंद करने के बाद बस स्टैंड के सामने कुछ ही दूरी पर एक और सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसके बारे में बार बार चेताया जाता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने पर नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 और सुजानपुर के वार्ड नंबर 3 के कुछ हिस्सों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधीश हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 अणु में केवल मकान नंबर 425, 539, 540 और 541 का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत सुजानपुर के वार्ड नंबर 3 में गुरुद्वारा रविदास गली से लेकर विजय कुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा, न तो इधर उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। भोटा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सुपर हाईवे करेर हनुमान मंदिर के पास एक ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। ट्रक करनाल से हमीरपुर प्लास्टिक दना की बोरियां लेकर जा रहा था कि अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में 3 लोगों, चालक, सहचालक व उनके साथी को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें सलोनी के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पर इन 3 घायल लोगों का उपचार चला हुआ है। इन 3 व्यक्तियों के नाम संजय कुमार, संजू व रिंकी है। हैरानी वाली बात यह है कि सोमवार के दिन भी इस जगह टाइलों से भरा टेम्पो भी पलट गया था। अब इन 4 दिनों के भीतर ये दूसरा मामला है जो यहाँ पर इस सुपर हाईवे पर ये हादसा हुआ है।
इस दौरान करेर पंचायत के हल्का पटवारी भी मौके पर मौजूद थे। वहीं भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी अजय सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में हमें कोई भी शिकायत नहीं आई है।